जनपद संभल के भेजोई क्षेत्र के ग्राम खजरा खाका में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर चंदोसी विधानसभा की युवा सपा नेत्री मोनी कुमारी ने पुरस्कार वितरण किया। जनपद संभल के भेजोई विकास खंड के ग्राम पंचायत खजरा खाका में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर पुरस्कार वितरण करने के लिए चंदोसी 31 विधानसभा से समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री मोनी कुमारी पहुंची और वहां पहुंचकर पुरस्कार वितरण किया। इस मौके पर सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी ने कहा कि आज मैंने यहां चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर पुरस्कार वितरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संभल जनपद में कोई भी स्टेडियम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की प्रतिभा को सही मौके नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे मौका देते हैं तो चंदोसी विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनवाने का काम करूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने सब लोगों को ठगने का काम किया है। गए थे क्रिकेट टूर्नामेंट के, क्या कहते हैं? आज मैं खजरा खाकम गांव गई थी, टूर्नामेंट का समापन था। मैंने जो कमेटी थी उसे सम्मानित करा था जी। और संभल जिले में कोई भी स्टेडियम नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार को 5 साल जी हो जाएंगे अब। हाँ। और हमारे संभल जिले में कोई भी स्टेडियम नहीं है, जो हमारे छोटे छोटे शहरों के गांव के बच्चे हैं अपनी भावनाओं को आहत पहुंचती है, जो कि वो लोग वहां नहीं जा पाते हैं और जिससे कि वो अपने हौसलों को हुई की हुई दबा देते हैं जी। तो अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देते हैं और जनता मुझे चुनती है जी, तो अगर मुझे मौका मिलता है, मैं जीतती हूँ तो मैं चंदोसी के अंदर, खासकर चंदोसी में एक स्टेडियम बनवाऊंगी, जिससे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत आगे तक जाएं, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये समाजवादी सरकार आएगी 2022 में, क्योंकि ये भाजपा वाले तो हमेशा लोगों को भटकाने का ही काम करते हैं और ये इस उसमें अपने सफल भी हुए हैं, क्योंकि इस सरकार में कोई भी ना चैन से खा पा रहा है ना चैन से रह पा रहा है, क्योंकि इतनी स्थिति बेकार है हम किसानों की, हम बेटियों की, मजदूरों की, क्योंकि वो लोग क्या करें बेचारे। तो इससे बहुत से किसान देखो आत्महत्या भी कर रहे हैं जी। और हमारी बेटियां बाहर पढ़ने भी नहीं जा पा रही, क्योंकि ये दरिंदे हैं, क्योंकि इस सरकार में हमारी बेटियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी में हमारी बेटियां भी सुरक्षित थी और चारों तरफ खुशहाली थी, और इस सरकार में सब लोग मायूस हैं, क्योंकि कोई भी जिंदगी चैन से नहीं जी पा रहा है, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता हैं किसान, उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो देखिए, हम समाजवादी उन किसानों के साथ हैं और रहेंगे, और आने वाले टाइम में कि ये जो काला कानून है जो इन्होंने पास करा है, अगर नहीं वापस लेते हैं तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस काला कानून को भी वापस कराने का काम करेंगे।